हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम जो है सीखेंगे कि किस तरह से हम एजेक्स की हेल्प से पीएचपी फॉर्म का डेटा डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे और साथ ही साथ जो हम डेटा स्टोर करवाएंगे हम उसको रिट्रीव भी करेंगे एचटीएमएल टेबल के फॉर्म में, वहाँ पे फ्रंट एंड में डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो ये सारा हम जो काम करेंगे वो करेंगे एजेक्स की हेल्प से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ओवरव्यू करवा दूँ कि ये एचटीएमएल का जो टेम्पलेट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है इस पर क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड अप की है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे हेडअप हेड टैग जो रहता है ये जो है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लेटेस्ट बूटस्ट्रैप की फाइल्स और जीक्वेरी की फाइल्स ऐड की है और कुछ नोटिफिकेशन लाइब्रेरी फाइल्स भी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी है जिनका हम यूज़ करेंगे अलर्ट वगैरह या नोटिफिकेशन पॉपअप सा शो करवाने के लिए। और साथ ही मैंने कस्टम जेएस फाइल भी यहाँ पे ऐड की है, जो ये मेरी फाइल है और ये अभी बिल्कुल एम्प्टी है। इसी के अंदर हम अपना जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो मैंने इसको अभी इंक्लूड करके रख दिया है। तो इसके साथ ही मैंने कुछ एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर सा क्रिएट किया है। मेनली ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। मेन हमारे लिए फॉर्म है, तो ये मैंने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है जिस फॉर्म को मैंने आईडी दी है माई फॉर्म। और मैंने कुछ सिंपल सी दो फील्ड्स हैं यहाँ पे क्रिएट किए, एक नेम स्टोर करवाने के लिए और एक ईमेल स्टोर करवाने के लिए, ये दो फील्डें की है क्रिएट और ये बटन क्रिएट किया है। ठीक है, और इसका अगर मैं फ्रंट एंड देखूँ तो कुछ इस तरह से ये फ्रंट एंड दिख रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा एक टाइटल, नेम, ईमेल और सबमिट फॉर्म। और साथ ही साथ मैं अपने डेटाबेस में भी बता दूं तो मैंने ये यूज़र्स के नाम से एक टेबल बनाया है जिसमें तीन फील्ड हैं मैंने क्रिएट किए हैं, आईडी, नेम और ईमेल। तो हमारा जो डेटा है हम इसी टेबल में जाके स्टोर करवाएंगे जो यहाँ से जब फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट इवेंट है हमने उसको ब्लॉक करना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अगर मैं यहाँ पे इसमें कोई भी वैल्यू फॉर्म में सबमिट कर रहा हूँ तो इसको जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो रहा है। इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है उसकी हेल्प से ये ऑटोमेटिकली इसी पेज में रिडायरेक्ट हो रहा है नेम वैल्यू के साथ, लेकिन हमने उसको इस तरह के इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है ये ब्लॉक करवाना है और हमने इसको यहाँ से सबमिट करवाना है अपनी एजेक्स की हेल्प से। तो ये कैसे करेंगे ये चीज़, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं यहाँ पे document.ready फंक्शन, ठीक है, कि ऑन डॉक्यूमेंट रेडी पे फंक्शन रन करना है हमने। अब इस पे क्या करना है हमने, इसका क्लिक इवेंट उठाना है। किसका, जो सबमिट इवेंट जो हम उठाएंगे ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, जिसको हमने आईडी दी है माई फॉर्म। और इसके हम जो है क्या करेंगे, ऑन सबमिट पे, ठीक है, हम सबमिट पे जो है इवेंट यहाँ पे कैप्चर करेंगे। और आप इसको किसी भी, आप कोई भी एक नॉर्मल वेरिएबल ले सकते हो, मैंने सिंपली यहाँ पे इवेंट ही नाम का एक वेरिएबल लेके रखा है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इससे क्या होगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और फॉर्म हमारा रिडायरेक्ट नहीं होगा। इवेंट, ये जो इवेंट यहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसको दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने एक तरीका बता दिया कि आप इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करोगे, ठीक है, और अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और फॉर्म को सबमिट करता हूँ, सबमिट, ये देखिए फॉर्म सबमिट हमारा अब नहीं हो रहा है, जो प्रीवियसली पहले क्या हो रहा था, रीडायरेक्ट हो रहा था इसी पेज में नेम वैल्यू के साथ, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फॉर्म में स्टोर करवाई थी। ओके, अब एक तो मैंने ये तरीका बताया कि आप इस तरह से कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे सिंपली इस फॉर्म का जो इवेंट हम सबमिट इवेंट यहाँ पे रन कर रहे हैं, आप सिंपली यहाँ पे एट द एंड सिंपली आप क्या कीजिए, रिटर्न फॉल्स लिख दीजिए, तो ये भी जो है क्या करेगा, सेम ही काम करेगा जो हमने वहाँ पे इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट उसका जो फंक्शन था उसके थ्रू जो मैंने काम किया था, तो ये सेम काम देखिए इससे भी हो जाएगा। तो जो भी आपको वे, जो भी तरीका आपको बेटर लगता है
आप कोई भी इनमें से एक चीज जो है पिक कर सकते हैं. ओके, आई एम गोइंग टू स्टिक विद दिस ऑप्शन. ठीक है, जो मुझे सिंपल सा लगे आप इसके साथ मैं जाता हूँ. तो अब सबसे पहले जैसे हमने क्या किया कि फॉर्म के सबमिट पे अब हमने क्या करना है, सबमिट अपने एजेक्स फंक्शन से चलाना है. तो हम अपना एजेक्स फंक्शन एजेक्स यहाँ पे रन करेंगे, एजेक्स मेथड जो है. ठीक है, अब वैसे तो एजेक्स मेथड के अंदर जो है काफ़ी सारे अलग अलग पैरामीटर्स आप यहाँ पे ऐड करते हो, लेकिन हमें जिन चीज़ की रिक्वायर्ड है हम उन्हीं को यहाँ पे ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हमारा फॉर्म का जो डेटा है उसका टाइप क्या रहेगा, तो हम यहाँ पे उस फॉर्म का जो टाइप है वो यहाँ पे बताएंगे. तो हमारा फॉर्म का जो टाइप है वो रहेगा पोस्ट. हम पोस्ट के फॉर्म में डेटा यहाँ पे सबमिट करेंगे. दो रहते हैं जैसे नॉर्मली, एक गेट फॉर्मेट और पोस्ट. ठीक है, गेट और पोस्ट. तो हम यहाँ पे गेट सॉरी पोस्ट के फॉर्म में जो है डेटा सबमिट करेंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा URL. URL यहाँ पे क्या कंटेन करेगा, उस फाइल का नाम जहाँ पे हम फॉर्म का डेटा जो है सबमिट करेंगे या सेंड करेंगे. तो फाइल में नाम दे देता हूँ formdata.php. अभी मैंने ये फाइल क्रिएट नहीं की है, हम ये फाइल जो है अब क्रिएट करेंगे. उसके बाद आएगा डेटा. डेटा जो है हमारे पास कहाँ पे है, रिजाइड करता है, डेटा रिजाइड करता है डॉलर दिस यहाँ पे किसको रेफरेंस कर रहा है, इस फॉर्म को जो फॉर्म हमने यहाँ पे टारगेट किया है, जो फॉर्म हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है. और इसके साथ मैं लगाऊंगा सीरियलाइज फंक्शन. सीरियलाइज फंक्शन जो है क्या करेगा, ये हमारे डेटा को जो है प्रॉपर फॉर्म में फॉर्मेट करता है, नेम और वैल्यू के फॉर्म में. जैसे URL एनकोडिंग के लिए भी नेम वैल्यू पेयर जो क्वेरी पैरामीटर में यूज़ होता है कुछ उस फॉर्म में जो है डेटा करेगा. अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ तो इस तरह से हमारे पास जो है डेटा आ जाएगा, नेम और जो भी नेम है इस तरह से फॉर्म फील्ड के अंदर, वो इस फॉर्मेट में जो है डेटा हमें रिटर्न कर देगा. आप इसके बारे में और भी जो है सर्च कर सकते हैं कि सीरियलाइज फंक्शन जो है क्या करता है. तो अब जब ये हमारे पास जो है पैरामीटर ये जब ओके है यहाँ तक कि हमारा जो टाइप ऑफ डेटा है पोस्ट, URL इस फाइल में जो है हमने जाके उसको सेंड करना है. आप यहाँ पे अगर किसी फोल्डर में जाके हैं तो उसका प्रॉपर पाथ अपनी फाइल का आप यहाँ पे दे सकते हैं. उसके बाद डेटा जो है वो हमारे पास इस फॉर्म का डेटा है जो हम सबमिट करना चाहते हैं. और उसके बाद इसके दो इवेंट यहाँ पे रिटर्न होते हैं, एक तो सक्सेस, एक होगा एरर वाला. जो अगर हमारा जो है फॉल्स हो जाए इस केस में, अगर मान लो किसी भी तरह से अगर ये फाइल ना मिले तो वो एरर पे रिडायरेक्ट होगा. अगर जो है सक्सेसफुली रिट्रीव हो जाती है, अगर उसमें कोई एरर नहीं है, तो सक्सेस के थ्रू हम जो आगे जो इवेंट या जो फंक्शनैलिटी या हम जो भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आगे हम काम करेंगे. तो सबसे पहले सक्सेस, और उसके बाद सक्सेस पे हम जो है इसका जो है फंक्शन रन करेंगे. और जो भी हम अलर्ट वगैरह या नोटिफिकेशन वगैरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे. और दूसरा अगर एरर पे रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे इसके एरर पे यहाँ पे फंक्शन रन करेंगे और जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे. तो चलिए, जैसे मैंने वो नोटिफिकेशन वाली जो लाइब्रेरी ऐड की है, हम उसका जो है एरर नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे अगर कोई भी एरर रहता है, और मैसेज में रख डिस्प्ले करवा देंगे देयर आर सम एरर. ओके, और इसका टाइटल भी हम सेट कर देते हैं, सिंपली एरर लिख के आना चाहिए. और यहाँ पे आप टाइम आउट भी एज एन एरे फॉर्म में यहाँ पे दे सकते हो. टाइम आउट मतलब आप कितने टाइम तक उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हो, वो जो नोटिफिकेशन सब पॉपअप मिले. 2000 मिलीसेकंड मतलब 2 सेकंड के लिए ही मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ. अब देखिए, एक इतने तक ही इसको हम सिंपली इसको रखते हैं. अभी हमारे पास ये फॉर्म डेटा फाइल नहीं क्रिएट हुई है, तो एजेक्स में जब ये यहाँ पे आएगा, ये चीज़ों पैरामीटर जब पास होगा और इस फॉर्म में जब ये इस पैरामीटर में रिडायरेक्ट होगा इस डेटा के साथ, तो इसको क्या होगा, ये फाइल नहीं मिलेगी जो 404 रिटर्न करेगा एज एन एरर. तो यहाँ पे ये थ्रो हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन पॉपअप हमें देखना चाहिए. तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं ज़रा कि रिडायरेक्ट होता है या नहीं होता है. तो जब भी आपने जैसे ये फॉर्म जो आपका है इसका रिडायरेक्शन आपने चेक करना है, तो आप नेटवर्क वाले इसके टैब में यहाँ पे जाइए जो क्रोम में नॉर्मली यूज़ होता है, तो टेस्ट, और यहाँ पे आप जो भी नेम या वैल्यू देनी है और सबमिट कीजिए.
ये देखिए ये यहाँ पे रिटर्न डायरेक्ट हो गया। ये देखिए एरर पॉपअप भी आया था और फॉर्म डॉट डेटा में चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये फाइल नहीं मिली, जिससे क्या हमें अलर्ट में आ गया कि कोई ना कोई एरर है वहाँ पे और ये फाइल जो है मिसिंग है। तो चलिए हम ये फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सेव फॉर्म डेटा डॉट पी एच पी। हमने ये फाइल यहाँ पे बना ली है पी एच पी। अब हमारे पास जो है फॉर्म डेटा फाइल जो रिक्वायर्ड थी इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, जहाँ पे डेटा जाएगा फॉर्म डॉट पी एच पी, तो हमने यहीं पे फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जहाँ पे अब सबसे पहले जो है फॉर्म डेटा जो सबमिट करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए डेटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत चाहिए होती है। तो मैंने कनेक्शन डॉट पी एच पी यहाँ पे फाइल बना दी है। आप भी नॉर्मली अपनी कोई भी फाइल जो है अपना अपना तरीका है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने सिंपल से कॉन्स्टेंट यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं, जिसमें सारे मैंने डेटाबेस होस्ट यूज़र पासवर्ड है नहीं, और ये मेरा जो डेटाबेस है वो मैंने यहाँ पे स्टोर करवा के रख दिए हैं, और MySQLi कनेक्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट करवा दिया और कनेक्शन मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया। तो ये सिंपल सी मेरी कनेक्शन फाइल है। तो आप भी जो है इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं या अपना वे जो है डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड करना है। सो रिक्वायर वंस और फाइल का नाम कनेक्शन डॉट पी एच पी, दैट्स इट। तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले चलिए, जब हमारे पास यहाँ पे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल है इसको प्रिंट करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे जो फॉर्म हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, जिसका डेटा जो है हम इस फाइल में सबमिट कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे रिट्रीव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट और test@gmail.com, ये मैंने वैल्यू फिल की। अब मैं सबमिट करता हूँ, ये देखिए फॉर्म डेटा, और यहाँ पे देखिए मुझे वैल्यू मिल रही है, जो वैल्यू मैंने यहाँ से सबमिट की है एजेक्स की हेल्प से। तो काफ़ी हद तक हमने सक्सेसफुली डेटा यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम डेटा जो है अगर है हमारे पास तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं। तो नेम इक्वल टू $_postName, जो वैल्यू मैंने फॉर्म फील्ड में वहाँ पे दी है, और ईमेल, तो मेरे पास यहाँ पे ईमेल $_post, और यहाँ पे वैल्यू दी थी मैंने फॉर्म में नेम। दोस्तों अभी तक आपको इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे ये जो नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मायने रखते हैं। जो डेटा हम कैप्चर करते हैं वो इन्हीं की हेल्प से, इन नेम के थ्रू जो है हम यहाँ पे इसको कैप्चर कर रहे हैं। और ये जो वेरिएबल है, मैंने सिंपली दो ही वैल्यू थी, तो आपके जितने भी पैरामीटर या जो भी डेटा है आप यहाँ पे इस तरह से स्टोर करवा सकते हैं, अपने वेरिएबल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब अगला काम आता है क्वेरी लिखना। तो क्वेरी इक्वल्स टू, अब हम इंसर्ट क्वेरी लगाते हैं, इंसर्ट इन टू, और टेबल का नाम मेरे था यूजर्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यूजर है, प्लूरल मैंने यहाँ पे कर दिया यूजर्स, स्पेस, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन एंटर। मैं क्वेरी को अपेंड करके लिखना जो है मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, जिससे आप जो है प्रॉपर वे में जो है डेटा यहाँ पे क्वेरी जो है एक इस तरह से, अगर आप ब्रेक करके लिखते हो तो इसको क्वेरी को एक तरह से डीबग करना जो है ज़्यादा बेटर या इजियर रहता है। तो मुझे इस तरह से इसको लिखना बेटर लगता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेरी एक ही बनती है ये, बस मैं सिंपली उसको जो है ब्रेक करके अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया ताकि यहाँ पे जो है मेरी जो क्वेरी है वो मर्ज ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो फील्डें हैं मेरे पास, वो फील्डें सिंपली है नेम और ईमेल, ठीक है, ईमेल एंड देन क्वेरी अपेंड इक्वल्स टू वैल्यूज, और वैल्यूज जो मेरे पास है, मैंने ऊपर वैल्यूज जो है दो वेरिएबल में स्टोर करवा के रखती हैं। सबसे पहले है नेम कॉमा, और उसके बाद है ईमेल। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ है। तो क्वेरी ये जो है इकट्ठी लिखी गई है, लेकिन ये देखिए प्रॉपर वे में इसको समझा या डीबग करने में आसानी रहती है, तो मुझे इसलिए इस तरह से इसको लिखना जो है ज़्यादा बेटर लगता है। आप अपना अपना कोई भी तरीका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट क्वेरी मैंने लिख दी, अब अगला काम है क्वेरी को रन करना। तो क्वेरी का जो
रिजल्ट है, मैं रिजल्ट में स्टोर करवाऊंगा और माय एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी। सो फर्स्ट पैरामीटर यस ऑफ कोर्स कनेक्शन, और उसके बाद हमारी जो क्वेरी हमने लिखी है वो यहाँ पे क्वेरी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेरी भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, और क्वेरी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो डेटा हमें यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। सो हम यहाँ पे टेस्ट केस लगते हैं कि अगर हमें जो है इसकी वैल्यू, इसमें कोई रिजल्ट अगर रिट्रीव हुआ है तो इट मींस सक्सेसफुली डेटा हमारा सबमिट हुआ है, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे ओके। और अगर नहीं हुआ है तो हम सिंपली डिस्प्ले करवाएंगे क्या, एरर। ओके, सिंपल एज दैट। तो अब जैसे मैंने कहा था, अब सक्सेसफुली जब ये इस फाइल में रिडायरेक्ट हो गया तो अगर कोई एरर नहीं रहता इस फाइल में, सक्सेसफुली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हमें ये केस में अगर ओके एज एन आउटपुट यहाँ पे मिलता है तो जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले, तो अगर जो है रिस्पॉन्स, सबसे पहले रिस्पांस में हो सकता है अगर कई बार जो है इसमें एम्प्टी स्पेसेस भी रह जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा jQuery डॉट ट्रिम फंक्शन। ठीक है, अगर कहीं एक्स्ट्रा कोई स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाए तो वहाँ पहले उसको रिमूव करेंगे, और इक्वल इक्वल्स टू क्या हो ओके। ठीक है, अगर हमें वैल्यू क्या मिलती है ओके, विच मीन्स कि क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी और डेटा इंसर्ट हो गया है, तो दैट मीन्स उस केस में हमें यहाँ पे ओके एज एन आउटपुट रिटर्न हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ट्वेस्टर डॉट सक्सेसफुली इंसर्टेड रिकॉर्ड, और यहाँ पे टाइटल सक्सेस कॉमा टाइम आउट अगेन 2000 सेकेंड। ओके, दैट्स इट। और अगर नहीं होता है, मतलब एल्स केस में अगर हमें क्या मिलता है वहाँ पे एज एन आउटपुट एरर, तो हम यहाँ पे एरर नोटिफिकेशन यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले करवाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे देर आर सम एरर। ठीक है, यही सिंपली डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इतना काम हमारा हो गया है, अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं। होप आपको काफ़ी हद तक जो है क्लियर हुआ होगा कि मैंने एक्चुअल तौर पे यहाँ पे क्या किया है, और यहाँ पे भी आपको सिंपली समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने सिंपल से यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाई है, क्वेरी यहाँ पे नोट डाउन की है, क्वेरी रन की है, और यहाँ पे टेस्ट किया है कि हमें क्वेरी एज एन आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम टेस्ट एंड टेस्ट, अगर सबमिट होगा सक्सेसफुली तो हमें अलर्ट मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए सक्सेस सक्सेसफुली इंसर्टेड रिकॉर्ड, और ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में भी चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है रिट्रीव होनी चाहिए, जो भी वैल्यू यहाँ पे मैंने फॉर्म से सबमिट की थी यहाँ पे आनी चाहिए। लिटल स्लो, ये देखिए टेस्ट एंड टेस्ट एट द रेट gmail.com, यस सक्सेसफुली वर्क करा। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि मेरे पास ये वैल्यू यहाँ पे अभी भी एज इट इज़ आ रही है, तो इन वैल्यूज़ को अगर आप रिमूव करना चाहते हो कि जैसे ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो टारगेट करेंगे हम अपने फॉर्म को हैश माई फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रिगर, क्या ट्रिगर करेंगे इसका रीसेट जो फंक्शन है। ठीक है, सेव करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा, जिससे वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अब मयंक एंड मयंक एट द रेट gmail.com सबमिट सक्सेस, ये देखिए वैल्यू भी फॉर्म भी यहाँ पे एम्प्टी हो गया, और जो वैल्यू थी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी। तो ये सारा काम जो है हमने विदाउट रीलोडिंग एनी पेज रीलोड किए बिना, तो सारा टास्क हमने कर दिया। तो ये तो हो गया पार्ट पहला कि हमने एजिक्स की हेल्प से अपना फॉर्म का डेटा सबमिट करवा दिया। अब अगला टास्क आता है कि अगर हमें वो वैल्यू रिट्रीव करनी है, अपने फ्रंट एंड में वो दिखानी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक ब्लॉक सा बनाते हैं। तो ये फॉर्म वाला ब्लॉक है, इसके ठीक नीचे डिप डॉट कॉल, ये कॉलम 4 था, तो हम यहाँ पे कॉलम थोड़ा बढ़ा देते हैं, कॉल 6। और मैं बस थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ,
कार्ड एंड बॉडी एंड देन यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ हैश गेट डेटा, ठीक है। इसके अंदर जो है हम जो अपना डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो फॉर्म में जब मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो उसी केस में हम उसको रिट्रीव करना चाहते हैं वैल्यू। मैं यहाँ पे गेट डेटा एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। आप यहाँ पे भी अपनी एजेक्स जो है लिख सकते हैं, बट थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने एक सेपरेट सा फंक्शन यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे सबमिट हो रहा है तो ठीक है, यहीं पे हम गेट डेटा सॉरी फंक्शन गेट डेटा ये फंक्शन यहाँ पे रन करेंगे। और यहाँ पे मैं सिंपली कमेंट में ऐड कर लेता हूँ सिंपली डिस्प्ले करवाने के लिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा गेट कर रहे हैं, ठीक है। और वही डॉलर डॉट एजेक्स, क्योंकि एजेक्स की हेल्प से हम सारा काम करेंगे, हम पेज को रीलोड किए बिना ही सारा डेटा भी हम वापस रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पे हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक यूआरएल चाहिए और गेट डेटा डॉट पीएचपी, ये जो फाइल हम बनाएंगे अभी बनी नहीं है, गेट डेटा डॉट पीएचपी इस फाइल पे इसको रिडायरेक्ट करना है। और इसके भी दो ही ये इवेंट रहेंगे, सक्सेस और एरर। तो टाइम सेविंग के लिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये रहा सक्सेस पे, हमें रिस्पांस यहाँ पे मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे सिंपली ये वाली चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देंगे, रिस्पांस हम वहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे कि रिस्पांस क्या है, वो हमें एचटीएमएल के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो है पहले हम यहाँ पे इस गेट डेटा डॉट पी एच पी इस फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो न्यू सेव इट, सो पी एच पी एंड सेव कर लेते हैं, ठीक है। और पी एच पी टैग हम शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले रिक्वायर अंडरस्कोर वंस एंड क्या चाहिए हमें, कनेक्शन कनेक्शन डॉट पी एच पी, ठीक है, कनेक्शन डॉट पी एच पी। और सबसे पहला काम, जैसे हमने कहा कि हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो क्वेरी अभी हमें क्या लगानी है, सिंपल सी क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, ओके दैट्स इट। और हम यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू माई एस क्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी, देन वही सबसे पहला पैरामीटर हमारा रहेगा कनेक्शन, देन हमारी क्वेरी जो मैंने क्वेरी लिखी है। उसके बाद अगर हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर डेटा हमें रिटर्न हुआ है, तो हम यहाँ पे एचटीएमएल का टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो एको सिंपली यहीं पे क्रिएट कर देता हूँ टेबल, और इसको क्लास भी दे देते हैं, क्लास देते हैं टेबल एंड टेबल बॉर्डर, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद एको पहले टी आर एंड एक स्ट्रक्चर सा मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, थोड़ा सा डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे, सही वे में दिखे, तो इसके लिए एंड एको सबसे पहले हेडिंग्स में यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ, हेडिंग है नेम और ठीक है नेम, देन अब क्या करते हैं इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, सेकंड हेडिंग सो दैट इज ईमेल और टीएच, ठीक है ये हो गया। एंड देन अब ये तो हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, अब हम चलाएंगे व्हाइल लूप अपनी। सो व्हाइल सो डेटा इक्वल्स टू MySQLi underscore fetch underscore asoc, क्योंकि एसोसिएटिव वे में हमें जो है डेटा चाहिए रिजल्ट एरे से। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे दोबारा
इको टी आर यहाँ पे, बस सिंपल सा एक एचटीएमएल फॉर्म यहाँ पे एचटीएमएल सा टेबल क्रिएट करके रख रहा हूँ ताकि थोड़ा एक बेटर वे में डेटा रिप्रेजेंट हो सके वहाँ पर। और अब यहाँ पे एको करते हैं टी डी कंकैटिनेट, सबसे पहले आएगा डेटा और डेटा में हमारे पास क्या आएगा, नेम कंकैटिनेट देन क्लोज और टी डी देन स्टार्ट नेक्स्ट टी डी एंड देन कंकैटिनेट डॉलर डेटा डेटा यस डेटा एंड देन आ गया ईमेल एंड देन कंकैटिनेट और यहाँ पे हम टी डी को क्लोज कर देंगे। आई थिंक इट्स प्रॉपर। तो टी आर हमारा यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि ये चीज़ रिपीट होगी, ये डेटा हमारा रिपीट होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से टी आर और टी डी को यहाँ पे वाइल लूप के अंदर रखा है। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेबल हमने ऊपर शुरू किया है और उसको यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना कनेक्शन बंद कर देंगे। तो एक बेटर सी टिप है दोस्तों, ये याद रख लेना कि जैसे कई बार हम फाइल में कनेक्शन इंक्लूड करते हैं या कोई फाइल ऐड करते हैं जिसमें हमने डेटा या रिकॉर्ड जो है ऐड अप करना है, या जैसे एफ ओपन एफ क्लोज, ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी रहती है परफॉर्मेंस बेस पे कि आप जो है जैसे कनेक्शन आपने यहाँ पे ऐड अप किया है तो आप इसको क्लोज भी कर लो। इससे क्या होगा कि जो मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस वो कैप्चर करते हैं उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो फ्री अप हो जाता है जिससे बाकी फंक्शनैलिटी जो है स्मूथली रन हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा स्पीड अप हो जाता है आपका कोड, और ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो मैंने सिंपल सा एक टेबल यहाँ पे फॉर्म बना दिया, टेबल के फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करवा दिया, वाइल लूप में मैंने डेटा कैप्चर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे टेबल में फॉर्म में यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। तो अब ये जो टेबल में फॉर्म में डेटा मिल रहा है वो मुझे मिलेगा रिस्पांस में। तो अब ये मुझे डिस्प्ले कहाँ करवाना है, इस गेट डेटा डिव के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, टारगेट कर लेते हैं हैश गेट डेटा डॉट एच टी एम एल फंक्शन, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हमें मिला है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। That's it, इतना ही काम करना है। सो गेट डेटा फंक्शन में हमने AJAX मेथड चलाया, URL में हमने रिडायरेक्ट किया इस फाइल में जिस पे हमने पहले कनेक्शन ऐड किया, अपनी क्वेरी लिखी जिसमें हमने सारा डेटा हमें यूज़र वाले टेबल से चाहिए, क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया, कनेक्शन एंड देन क्वेरी देन रिजल्ट में हमें डेटा रिसीव हुआ है, और हमने इसको टेबल में यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। अलग अलग तरीके हैं, मैं फ़िलहाल डिमॉन्स्ट्रेट के लिए यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ इस तरह से। सो इतना ही है इसमें, और अब जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो चलिए कुछ नई वैल्यू उठाते हैं, रमन। आई थिंक ये थोड़ा नीचे दिख रहा है फॉर्म का जो टेबल है, तो मैं यहाँ पे एक div बना देता हूँ, div डॉट रो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वर्टिकली दोनों साथ साथ दिखेंगे। इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। और अब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ वैल्यू रमन एंड सबमिट। ओके, कुछ एरर है, सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड वाइल टी वाइल गेट डेटा। ओके, ये देखिए सेमी कॉलन हम लगाना भूल गए। रिफ्रेश करता हूँ और रमन सबमिट, ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और डेटा भी मुझे टेबल में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपरली जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, ठीक है। हेडिंग शायद थोड़ी सी गलत हो गई है, ईमेल बी ओ आर डी ई बॉट आउट, ऐसे ही आएगा शायद। एक बार फिर कर लेते हैं एक डेटा के साथ टेस्टिंग, ये देखिए प्रॉपरली ये सबमिट हो रहा है और डेटा भी हमें
रिट्रीव हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ कि हम किस तरह से डेटा जो है पीएचपी फॉर्म का डेटा जो है सबमिट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने डेटा को रिट्रीव किया है तो हमने ये सारा एजिक्स की हेल्प से किया है। होप दोस्तों आपको ये काफ़ी हद तक जो है यूज़फुल लगा होगा, और आप भी जो अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट अप्रोच या डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी जो भी आपकी फीडबैक रहती है जो मुझे कमेंट में जो है अपनी फीडबैक भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।